लौट आई है अनुराग की तानी एक नए रिश्ते के साथ, एक नए अवतार के साथ और एक नए ट्विस्ट के साथ। तो तानी के नए अनुराग से मिलना नहीं चाहेंगे? ठीक से देखिए, ये वही शक्ति है जिन्हें आप तेरे लिए में अनुप्रिया के भाई के रूप में देख चुके हैं। तो आखिर कौन से सीरियल में दिखेगी ये जोड़ी और कैसे हो रही है इनकी वापसी? सुनिए ये कहानी तानी की जुबानी। ये बाकी स्टोरी से अलग है, बट है लव स्टोरी। अलग ये है कि जो दो मेन कपल है, जो बेसिक कपल है, वो पहले कैसे दूरियां होती है उनमें और बाद में कैसे प्यार डेवलप हो जाता है दोनों के बीच। ये बेसिकली स्टोरी वैसी है, फ्रॉम नॉट लविंग टू लविंग। अच्छा, यानी बिल्कुल रब ने बना दी जोड़ी के शाहरुख और अनुष्का शर्मा की तरह, जिन्हें शादी से पहले प्यार नहीं होता लेकिन शादी के बाद प्यार हो जाता है। उसमें दिखाया गया था कि हीरो चंपू है रब दे बनानी जोड़े में, और आप देख रहे हैं कि मैं ये बिल्कुल कहीं से चंपू नहीं है, हैंडसम हट्टा इतना नौजवान है। तो वो उसको साइड में रख के बाकी, हाँ थोड़ा बहुत एज डिफरेंस भी नहीं है और थोड़ा बहुत मतलब 19-20 है, हाँ ऐसा कह सकते हैं। ये छोटे पर्दे पे एक घंटे की फिल्म जैसा कुछ बन रहा है, वो 3 घंटे की फुल फ्लेज शाहरुख खान की पिक्चर थी, तो आई थिंक ट्रीटमेंट में ही बहुत डिफरेंस है। चलिए इसी बहाने ही सही, लेकिन आप दोनों को दोबारा एक साथ पर्दे पर देखकर बड़ा अच्छा लगा और इस बार तो बदल गई है आप लोगों की केमिस्ट्री भी। सीरियल तेरे लिए में शक्ति आपके भाई के किरदार में थे और यहाँ पर वो बन गए हैं आपके सैया। तो बताइए रिश्तों का ये नया ताना बाना कैसा लग रहा है? वेरी गुड फ्रेंड्स, एंड अगर आप जैसे देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं अपने इंडस्ट्री में। शाहरुख खान ने भी जोश फिल्म में ऐश्वर्या के साथ एज सिस्टर काम किया था, एज अ ब्रदर काम किया था, और देवदास में देन ही वाज पेड ऑपोजिट। आई फील के एक्टर्स का काम ही यही है टू यू नो अब्सॉर्ब द कैरेक्टर एंड बेसिकली जो कैरेक्टर आपको दिया जा रहा है उसमें ढल के आप काम करो। यानी एक नए रिश्ते के साथ टीवी पर वापसी कर रही है अनुप्रिया और शक्ति की जोड़ी। यूटीवी बिंदास के सीरियल ये है आशिकी के साथ। बाकी शोज में उतना नहीं होता है पर यहाँ पर यू नो रोमांस इज टोटली इन द एयर, तो ऐसे शोज नॉर्मली आप एज एन एक्टर हमें ना करने को मिले, तो आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी थी। एंड रोमांस ऑलवेज सेल्स, रोमांस जब टीवी पे दिखाया जाता है तो हमेशा हिट होता है एंड यू फील हैप्पी एंड यू एंजॉय डूइंग इट। यस भाई, उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ साथ दर्शकों को भी आपका ये नया कनेक्शन काफी पसंद आएगा।